तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। स्वागत है आपका आज की जबरदस्त और फ्रेश वीडियो में। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते ही हो, यहाँ पर मार्केट कैपिटल चैनल पर मैं आपके लिए ऐसे स्टॉक्स यहाँ पर कोशिश करता हूँ ढूंढ के लाऊं जिसमें आप शॉर्ट टर्म बेसिस और लॉन्ग टर्म बेसिस दोनों में पैसे बना सको। एक ऐसा स्टॉक जो फंडामेंटली बेहतरीन हो, टेक्निकल्स भी उसके अच्छे हों, हालांकि किसी किसी स्टॉक्स के नहीं भी होते हैं, लेकिन मैं फिर भी बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ कि आपके लिए एक अच्छा और बेहतरीन स्टॉक लेकर आऊँ जिसमें आप शॉर्ट टर्म बेसिस पर भी पोजीशंस बना के प्रॉफिट कमा सके और लॉन्ग टर्म पोजीशंस बनाना चाहें तो आप उस पे भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी क्रम में दोस्तों एक और यहाँ पर बेहतरीन स्टॉक आपके लिए लेकर आया हूँ। नाम आप ऊपर पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है पढ़ना मेरे लिए। प्रिसिशन वायर्स लिमिटेड, अगर माफ कीजिएगा मैंने थोड़ा सा गलत प्रोनाउंसिएशन किया, तो मैं तो वायर्स लिमिटेड के नाम से यहाँ पर पुकारता हूँ क्योंकि ये वाला शब्द जो है बोलने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है मुझे। तो चलिए दोस्तों इसी स्टॉक के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। इसमें एक न्यूज भी आई हुई है, स्प्लिट्स रिलेटेड न्यूज, जिसके कारण दोस्तों मैं भी यहाँ पर चाहते थे कि ये रॉकेट बनता हुआ आपको दिखे, जैसा कि हर एक स्टॉक पहले से ही बना हुआ होता है, तो उस तरह से ये स्टॉक भी परफॉर्म कर सकता है और टेक्निकल्स भी इसके थोड़े से अच्छे हैं, मुझे देखने में काफी ज्यादा अच्छे लगे हैं, तो इसलिए इस बेसिस पर ही मैं इसको शॉर्ट टर्म बेसिस पर भी उठाकर लाया हूँ। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज कुणाल एंड यू आर वॉचिंग मार्केट कैपिटल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसके फंडामेंटल डिटेल्स को कंसीडर करेंगे, साथ ही साथ फिनस्टार्स की रेटिंग को भी देखेंगे और उसके बाद दोस्तों न्यूज को भी यहाँ पर कवर करेंगे कि स्प्लिट्स न्यूज क्या है, कितने रेशियो में यहाँ पर स्प्लिट्स किया जा रहा है, साथ ही साथ क्या डेट्स हैं वगैरह वगैरह, सारी चीजें दोस्तों आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। और साथ ही साथ दोस्तों इसके टेक्निकल्स को भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मूविंग एवरेजेस प्लॉट करके, अगर आप मूविंग एवरेजेस को फॉलो करते हैं, एमएससीडी को फॉलो करते हैं, आरएसआई को फॉलो करते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर लगाकर एक प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं कि आने वाले टाइम में स्टॉक का क्या मूवमेंट हो सकता है। तो चलिए जल्दी से हम लोग यहाँ पर फिनस्टार्स की रेटिंग को सबसे पहले देख लेते हैं। तो आपके लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने फिनस्टार्स की रेटिंग को यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर दिया है, तो देख सकते हैं ओवरऑल 3 स्टार्स की रेटिंग है, यानी कि ओवरऑल हम इसको पॉजिटिव रेटिंग ही मान के चलेंगे। साथ ही साथ ओनरशिप में देखोगे तो ओनरशिप में जो है वो है लगभग 2.9 स्टार्स के आसपास, तो ओनरशिप यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी है स्टेबल है ओनरशिप, ओनरशिप में कोई भी दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पर 3 स्टार्स जो है वो उसको एक्सपेंसिव यहाँ पर डिक्लेयर करें कि स्टॉक जो है काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। इफिशियंसी के मामले की बात करें तो इफिशियंसी में लगभग 3.5 स्टार्स है और इफिशियंसी ऑप्टिमल है, यानी कि ये भी दोस्तों एक तरह से स्टेबल इफिशियंसी आप इसको कह सकते हो। फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स में अप्रोक्सीमेटली 3.8 स्टार्स दिए गए हैं और यहाँ पर मेंशन किया गया है एवरेज, यानी कि फिनस्टार्स ने फाइनेंशियल्स को यहाँ पर एवरेज डिक्लेयर किया है। और अब हम लोग अपने तरीके से भी देखेंगे बुक वैल्यू और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाटास को यहाँ पर देखने के साथ यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि क्या ये दोस्तों ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। तो चलिए जल्दी से हम लोग अपने वाले सेक्शन पर स्विच करते हैं। फिनस्टार्स के अकॉर्डिंग तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर स्टॉक अच्छा मुझे देखने को लग रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी फिलहाल जो यहाँ पर डाटा आपको देखने को मिल रहा है कंपनी के, वो है दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन 917 करोड़ का है। साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो 2.31 करोड़ का यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर फेस वैल्यू की बात करें तो 5 रुपए की फेस वैल्यू है, जो कि स्प्लिट होकर यहाँ पर 1 रुपए की हो जाने वाली है, ये न्यूज अभी हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे जल्द ही। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप देखना चाहो तो कैश 33.32 करोड़ का यहाँ पर कैश पड़ा है कंपनी के पास, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है, इतनी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर कैश पड़ी हुई है कंपनी के पास। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम लोग बुक वैल्यू को कंसिडर करें तो 146 रुपीज का यहाँ पर बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है और करेंट प्राइसिंग लगभग 394 के समथिंग यहाँ पर चल रही है। तो बुक वैल्यू दोस्तों एक काफी अच्छा खासा आपको स्टॉक में देखने को मिल जा रहा है, लगभग 150 का बुक वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग उसको 60 मान के चलते हैं, 59.67% का प्रमोटर्स होल्डिंग मेरे ख्याल से यहाँ पर अच्छा माना जाएगा। रिटर्न रेशियोज की बात करें यहाँ तो सबसे पहले अर्निंग पर शेयर आपको काफी जबरदस्त देखने को मिल रहा है, अर्निंग पर शेयर काफी बेहतरीन है, अर्निंग पर शेयर है लगभग 24.5 रुपए, यानी कि 24.58 रुपए 58 पैसे। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 13.13% है, तो ये अच्छा है मेरे लिए, बहुत ज्यादा अच्छा मैं नहीं बोलूंगा, अच्छा है। लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फिर मैं बोलूंगा कि काफी ज्यादा अच्छा है, 20.46% का है, तो ये काफी जबरदस्त आपको देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ भी अप्रोक्सीमेटली 13% के आसपास का सेल्स ग्रोथ है और बॉटम लाइन की बात करें तो बॉटम लाइन का ग्रोथ जो है वो लगभग 24% के आसपास का, यानी कि 23.5% के आसपास का। तो ये दोस्तों ग्रोथ भी काफी ज्यादा अच्छी है कंपनी का और कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स भी यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। आप साथ ही साथ दोस्तों डेट को कंसीडर करें तो डेट लगभग 22 करोड़ के आसपास का है, तो डेट इतना ज्यादा तो मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं है। अभी हम लोग डेट इक्विटी रेशियो को भी देखेंगे, वो रेशियो यहाँ पर नहीं दिखता है, वो थोड़े उसके लिए नीचे जाना पड़ेंगे हम लोगों को।
अब दोस्तों यहाँ पर वैल्यूएशन की बात कर ले तो वैल्यूएशन में आपको पीबी रेशियो देखिए कितना क्लियर कर रहा है 2.71 का, और पीई रेशियो की बात करें तो 16.14 का आ रहा है। तो यहाँ पर पीई और पीबी ना तो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड इसको कंसिडर कर रहा है और ना ही बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड ही इंडिकेट कर रहा है। तो ये एक मिड पॉइंट पे दोस्तों स्टॉक आपको खड़ा मिल रहा है। लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल कंपनी के अच्छे हैं तो मैं यहाँ पर हमेशा बोलता हूँ जबकि कोई भी अच्छी चीज मिल रही हो और अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा पेमेंट भी यहाँ पर करना पड़ रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप इसको आराम से ले। रिटर्न रेशियोज काफी ज्यादा अच्छे हैं यहाँ पर, फिर ओवरऑल यहाँ पर फाइनेंशियल काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों फंडामेंटली ए ग्रेड की कंपनी आपको देखने को मिल रही है। और मैंने यहाँ पर अभी तक सेक्टर आप लोगों को नहीं बताया और मुझे नहीं लगता आपको सेक्टर बताने की यहाँ पर जरूरत भी मुझे पड़नी चाहिए, वो इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं नाम में ही आपको लगा हुआ है प्रिसिशन, या जो भी इसको पढ़ सकते हैं हम लोग, वायर्स इंडिया लिमिटेड। यानी कि सिंपली सी बात है कि ये कंपनी जो है मेटल के वायर्स वगैरह यहाँ पर डिजाइन करती है। इसकी वेबसाइट पर मैं आपको लेकर आया हूँ, तो 2 मिनट वेट करते वेबसाइट खुल जाएगी तो देख सकते हैं यहाँ पर इसकी वेबसाइट है। यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट रेंज पर पहले ही क्लिक करी थी तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स इसके चेक कर रहा था, तो देख सकते हैं मुझे तो कुछ खास समझ नहीं आया प्रोडक्ट्स क्या क्या है, लेकिन वायर से तो मुझे साफ यही समझ में आ रहा है जो भी पुल वगैरह में जो लीवर पुल होते हैं उसमें जो वायर्स यूज होते हैं उसी सब तरह की चीजें दोस्तों यहाँ पर कंपनी बनाती है। ऐसी ही एक और कंपनी मैंने पहले भी दी थी डीपी वायर्स, वो भी सेम तरीके के काम करती थी और बेहतरीन तरीके के यहाँ पर उसके भी फंडामेंटल डिटेल्स थे। तो होपफुली दोस्तों अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो वेबसाइट पर विजिट कीजिए, अच्छे से इसको एनालाइज कीजिए क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या क्या इसके कस्टमर्स हैं वगैरह वगैरह, सारी चीजें आप दोस्तों यहाँ पर आके क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से हम लोग फंडामेंटल वाले पेज पे वापस चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को काफी अच्छे फंडामेंटल डिटेल्स देखने को मिले हैं, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर पीएल स्टेटमेंट पर जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर पीएल स्टेटमेंट पर चलते हैं और क्वार्टर के रिजल्ट्स को भी चेक कर लेते हैं। तो चलिए जल्दी से पीएल स्टेटमेंट और क्वार्टर के रिजल्ट्स को चेक। साथ ही साथ दोस्तों मैं जो आपको डेट इक्विटी रेशियो दिखाना चाहता था वो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट इक्विटी रेशियो, बहुत ज्यादा डेट इक्विटी रेशियो आपको देखने को नहीं मिल रहा है, वो है दोस्तों 0.07 का डेट इक्विटी रेशियो, जो कि ना के बराबर आप इसको मान सकते हो। तो कंपनी के पास बहुत ज्यादा कर्ज नहीं है, आप इसको ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री मान सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग 59.67%, बाकी के शेयर्स पब्लिक के पास है, FII का थोड़ा सा रोल है इसमें और DII का कुछ भी रोल नहीं है। तो ये दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात होगी। ओवरऑल अब दोस्तों देखें तो क्वार्टर के रिजल्ट्स यहाँ पर बहुत आपको अच्छे देखने को मिल सकते हैं। मैं यहाँ पर ऊपर के बेसिस पर यहाँ पर प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, मैंने पहले ही कुछ इसमें चेक नहीं किया है। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर क्वार्टर के रिजल्ट्स को फॉलो करते हैं। तो सितंबर 2020 में अगर आप टॉप लाइन देखोगे तो 392 करोड़ का दिख रहा है, वही सितंबर 21 से उसका कंपैरिजन करोगे तो उसका जो सितंबर 21 का टॉप लाइन है वो है दोस्तों यहाँ पर 708 करोड़। यानी कि आप देख सकते हो एक साल में इसने ऑलमोस्ट डबल का यहाँ पर अपने सेल्स को इंक्रीज कर लिया, यानी कि 100% इसने सेल्स में बढ़ोतरी यहाँ पर कर ली है। अब बॉटम लाइन की बात करें तो बॉटम लाइन आपको 10 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है सितंबर 20 में। अब दोस्तों बात करें इसकी कंपैरिजन करें अगर सितंबर 21 से तो वो लगभग 15 करोड़ के आसपास का, यानी कि प्रॉफिट में भी दोस्तों 50% की यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिली, यानी कि 50%, यानी कि 50% की यहाँ पर तेजी देखने को मिली, यानी कि सेल्स में इसने डबल का यहाँ पर कर लिया है और बॉटम लाइन में यहाँ पर 50% इंक्रीज कर लिया, जो कि काफी ज्यादा अच्छा साइन है कंपनी के ग्रोथ का। यहाँ पर दोस्तों क्वार्टर के रिजल्ट्स में और बहुत ज्यादा कुछ देखने को नहीं है, यहाँ पर क्वार्टर टू क्वार्टर हम लोगों ने एक साल में यहाँ पर कंपैरिजन कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर पीएल स्टेटमेंट को चेक करना चाहेंगे, पीएल स्टेटमेंट भी आपको बेहतरीन ही दिखेंगे मेरा ऐसा यहाँ पर अनुमान है। तो देख सकते हैं यहाँ पर टॉप लाइन में आपको काफी तेजी देखने को मिल रही है क्वार्टर एनुअल बेसिस पर, और बॉटम लाइन में भी दोस्तों आपको काफी तेजी देखने को मिल रही है एनुअल बेसिस पर। यहाँ पर थोड़े बहुत एक आध साल आपको देखने को मिलेंगे लो पर, फिर वापस से लेकिन कंपनी जो है वो पटरी पर आ चुकी है। तो यहाँ पर पीएल स्टेटमेंट मुझे काफी ज्यादा सही लग रहा है, क्वार्टर के रिजल्ट्स काफी ज्यादा सही लग रहे हैं, तो अब मुझे नहीं लगता यहाँ पर और ज्यादा डिटेल्स देखने की हमें जरूरत है। तो चलिए जल्दी से अभी हम लोग न्यूज को कवर कर लेते हैं कि किस बेसिस पर यहाँ पर स्प्लिट हो रहा है, किस रेशियो में यहाँ पर स्प्लिट हो रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों कंपनी जो है वो पहले भी एक बार स्प्लिट कर चुकी है अपने शेयर को और यहाँ पर दोबारा स्प्लिट कर रही है, और जो अनाउंसमेंट डेट था वो था दोस्तों 3 नवंबर 2021। ओल्ड फेस वैल्यू जैसा कि हम लोगों ने कहा 5 रुपए था और नेक्स्ट जो फेस वैल्यू हो जाएगा वो दोस्तों 1 रुपया हो जाएगा, यानी कि आपके एक शेयर्स अगर आपके डीमेट अकाउंट में पड़े हुए हैं तो वो ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ पर 5 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए आप चिंता ना करें अगर आप पहले से यहाँ पर लिए हुए हो शेयर्स तो, क्योंकि अब दोस्तों अगर आप देखोगे एक्स स्प्लिट डेट तो यहाँ पर 22 तारीख का देखने को मिल रहा है और आज जो है वो 18 तारीख हो गई है और दो ही ट्रेडिंग सेशन आपको देखने को मिलेंगे 20 और 21 का। तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता अगर आप 20 को परचेस करोगे तो 21-22 तक आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ पाएंगे। तो जिनके पास पहले से शेयर्स है उन्हीं को यहाँ पर अब स्प्लिट का फायदा होगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। रिकॉर्ड डेट दोस्तों 1 दिन बाद का होता ही है, जैसा कि आपको पता है 23 का है, और स्प्लिट का रेशियो मैंने यहाँ पर बताई दिया 5:1 में होता है। तो अगर उस दिन
प्राइस अगर वहाँ पर 100 रुपीज़ चल रही होगी 22 तारीख को, तो वो 200 ऑटोमेटिकली स्प्लिट होकर 200 लगभग 80 रुपीज़ के पास आकर यहाँ पर ट्रेड करने लगेगी। एग्जैक्ट 80 नहीं होगी, इस बात को याद रखें, थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा उसमें भी, तो यहाँ पर लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 80 के आसपास ट्रेड करने लगेगा। तो होपफुली दोस्तों यहाँ पर स्प्लिट से रिलेटेड आपको सारी न्यूज़ यहाँ पर कवर हो गई होगी। अब दोस्तों यहाँ पर टेक्निकल्स की ओर बढ़ते हैं और टेक्निकल के बेसिस पर देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। तो चलिए जल्दी से चार्ट पर स्विच करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि चार्ट जो है वो आपके कंपनी में होने वाले हलचल का यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है एक तरीके से, तो आप यहाँ पर देख सकते हो पिछले 4-5 दिनों से इसमें किस तरह की आग लगी हुई है ऑलरेडी। मैंने इससे पहले चार्ट नहीं देखा था कंपनी का, मैं भी ये फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ आपके सामने। यहाँ पर देख सकते हैं 4 दिनों से और ये काफी तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि दोस्तों स्प्लिट का न्यूज यहाँ पर आया हुआ है, तो आप भी चाहो तो बहती गंगा में यहाँ पर हाथ धो सकते हो, लेकिन थोड़ा सा संभल कर, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, लॉन्ग टर्म बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस पर शायद हम लोग यहाँ पर मिस हो चुके हैं। और एक जो लेवल हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा था, ये वाला लेवल वो दोस्तों हमसे मिस हो चुका है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर पकड़ सकते तो काफी तेजी से यहाँ पर हम लोग शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट ले सकते थे, लेकिन चूंकि अब यहाँ पर मिस हो चुका है तो अब हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन चूंकि स्प्लिट का न्यूज भी है इसमें, तो यहाँ पर अभी आपको कुछ दिन और भी यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। तो होपफुली दोस्तों यहाँ पर चार्ट पर तो अभी अब फिलहाल कुछ मुझे देखने को नहीं मिल रहा, अगर हम लोग यहाँ पर पहले ही पकड़ लेते ना 330 रुपए के पास तो मजा आ जाता दोस्तों यहाँ पर, लेकिन कोई नहीं, हमें हर अपॉर्चुनिटी हम लोग नहीं पकड़ सकते, ये भी हम लोगों को मान के चलना होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पर दोस्तों यहाँ पर स्टॉक बहुत ज्यादा अच्छा है, फंडामेंटल डिटेल्स बहुत ज्यादा यहाँ पर बेहतरीन है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर RSI को भी चेक कर ही लेते हैं। अब आए हैं तो देख सकते हैं RSI यहाँ पर ओवरबॉट जोन में भी पहुंच चुका है, तो 83 के आसपास का यहाँ पर RSI चल रहा है और MACD भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है, लेकिन अब पॉजिटिव से ये ओवर पॉजिटिव हो चुका है, तो यहाँ पर गिरने के काफी ज्यादा चांसेस बन रहे हैं इंडिकेटर वाइज। मैं यहाँ पर अगेन रिपीट करूंगा, इंडिकेटर वाइज गिरने के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन क्योंकि न्यूज है इसमें स्प्लिट्स वाला, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इसमें परचेजिंग करेंगे, बाइंग करेंगे, तो इस वजह इस चीज को दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। संभल के अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म बेसिस पर पोजिशन बनाना चाहते हैं तो संभल के बनाया कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी बहुत ज्यादा न्यूज बेस्ड स्टॉक है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए दोस्तों एकदम पॉजिटिव व्यू है, लेकिन मैं आपको फिर से यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आप अपनी भी रिसर्च और एनालिसिस पूरी तरीके से कर ले, किसी के कहने पर आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, और अपने आपके द्वारा किए गए एक्शन के जिम्मेदार दोस्तों आप खुद ही होंगे। तो होपफुली दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बेसिस दोनों पर आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड गुड बाय।